गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के दिन की शुरुआत होती है गांव से। आज मैं हूं एक गांव में, जो ये गांव है तो यहां पे नेटवर्क स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो। मैंने रात से भी ट्राई किया व्लॉग अपलोड करने का, लेकिन 5-6 बार ट्राई किया और हर बार फेल हो गया। और अभी सुबह का 6 बजे का लगाया हुआ है लैपटॉप पे, वो वीडियो अपलोड हो रहा है पीछे, लेकिन अभी भी 6 बजे का लगाया तो 40% हुआ है। सुबह के 9 बज गए, पता नहीं कब जाके होगा। आई थिंक 2 दिन तो लग जाएंगे। दुख का खत्म नहीं होता बे। गांव में मेरे को सुबह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल में सुन सकते हैं पक्षियों की चहचहाने की आवाज। अभी पीछे एक अंकल काम कर रहे हैं, अपना ट्रैक्टर के द्वारा खेती कर रहे हैं। लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं, आप देख पाएंगे। तो गाँव की जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही सरल जीवन है। इनकी सुबह तो सुबह 4 बजे की हो गई इनकी सुबह 4 बजे की हो जाती है और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो कभी भी गांव में आके रहना एक अच्छा अनुभव रहता है, तो अभी हम वही अनुभव ले रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे अभी लाइट चली गई है और नेटवर्क स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन फिर भी आप अगर कंप्रोमाइज़ कर सको इन चीज़ों से तो आप फिर भी पीसफुल एक अनुभव को ले सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्या प्लान है। पहले तो वेट करना पड़ेगा लाइट का, क्योंकि मेरे फ़ोन वगैरह में बैटरी नहीं है। तो देखता हूँ, अगर 15-20 मिनट भी लाइट आई तो चार्ज करके फिर आगे का प्लान बनाएंगे। A few moments later. Wonderful, तो मेरे बोलते ही लाइट आ गई है। जाता हूँ सीधा फ़ोन चार्ज पे लगाता हूँ और आगे का प्लान करता हूँ। वैसे तो आज काफ़ी बिजी डे रहेगा, काफ़ी सामान वगैरह भी लाना होता है, इसलिए मैं सुबह ही रेडी हो गया, तैयार हो गया हूँ। अगर इन केस कहीं भी जाना होगा तो आई एम रेडी, निकलेंगे और साथ ही साथ में देखेंगे हमारे क्या प्लान्स है। अभी हम जा रहे हैं कोटला की मार्केट में, तो गाड़ी पीछे ही पार्क कर दी। कई बार मार्केट में जगह नहीं होती पार्किंग के लिए, और मैं और पीशु चले हैं। मेरे पीछे पद्म ने रेहान को लिया है, देखूँगा अगर स्पेस मिली तो गाड़ी लगा दूँगा मार्केट में ही लाकर। चलो देखते हैं क्या है आगे जाके। अभी मैं संभाल रहा हूँ रेहान को और पद्म की ड्यूटी लगी है त्रिशा की। जूबी और प्रीति तो चले गए ब्यूटी पार्लर में, और आपको पता है ब्यूटी पार्लर एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह जहाँ पे गर्ल्स गई, ये लेडीज़ डिपार्टमेंट गया तो फिर जल्दी नहीं आ रहा। हमने पूरा मार्केट घूम लिया, खाना पीना जो भी था कर लिया, और थक के अभी ग्राउंड में आके बैठ गए इधर, और वेट करें कि कब वो आएंगे। तो वेट करते हैं, इतनी धूप है, इतनी गर्मी यहाँ पर, तो घूमने का भी दिल नहीं कर रहा। मनीष जी का प्लान कल से पेंडिंग पर ही चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी धूप में हम जाएंगे, तो शाम का देखते हैं क्या है। ओके, रेहान भी रोने लगा, और ये मेरा क्यूट भांजू है, अब ये भी परेशान हो गया है वेट करते करते। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर आएंगे। तो वैसे हमारा मनीष जी का प्लान बन ही नहीं रहा था, तो हमने टाइम निकाल ही लिया है। मैंने सोचा कि घर बाद में जाएंगे, पहले मनीष्टी चलते, क्योंकि शाम को भी बहुत काम है, डेकोरेशन का काम रहेगा और भी बहुत सारे काम है, शॉपिंग का काम है। तो ये मनीष्टी है, हम बहुत बार पहले भी आए हैं और बचपन से यहाँ लगभग आ रहे हैं, जबकि ये बनी हुई है। तो दिखाते हैं सोलधा में बनी हुई मनीष्टी, और देखेंगे कि ये ओपन है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तो बंद थी और अभी भी बंद है। बंद है। तो मनीष्टी तो आ गए, लेकिन क्या करे, बैल लक, ये लॉक है, लगा हुआ है। तो अभी बैग करूँगा, बैग गाड़ी लेकर चलूँगा और वापस घर जाएंगे। आज यहाँ मनीष्टी का प्लान था ही नहीं शायद से। चलो देखते हैं आगे का और क्या प्लान है। जी खुल गई है, तो अभी जाके अंदर देखते हैं। सीधा लेंगे गाड़ी मनीष्टी के अंदर ले लेंगे, और मैं जो भी पदम वगैरह तो हम पहले आए हैं। थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, लेकिन ज्यादा भी नहीं। तो ये देखिए हमारे मॉन्क्स। मैं गाड़ी वापस उसी गेट के पास लगाया, क्योंकि मैंने प्रीति और जूबी को ड्रॉप कर दिया था, उनके पास बच्चे भी हैं तो उनको अंदर ड्रॉप किया और गाड़ी बाहर पार्क कर दी। बस अभी जा रहा हूँ। पदम कॉल कर रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है।
चलो चलते हैं सीधा मोनेस्ट्री की तरफ। तो ये काफ़ी साल पहले बना हुआ मोनेस्ट्री है और लगभग ये हमारे सामने बना था, जब बना था तब भी हम आए थे, बहुत छोटे थे तब। और अभी एक बार फिर से जा रहे हैं और अभी तो पद्म की बेबी भी है। तो देखिए इस टाइम कैसे जाता है, समय कैसे निकलता है। तो अभी मोनेस्ट्री के अंदर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ बाहर जाके शूज़ वगैरह खोल देंगे। तो रिक्वेस्ट करके आई थिंक मोनेस्ट्री तो ओपन करवाया, देखेंगे। मनप्रीत हेलो करो। हेलो। तो देखिए बहुत पहले जूवी, मैं, पदम, लड्डू हम सब आते थे और अभी अपने बच्चों के साथ मोनेस्ट्री में आए हैं। जैसा मैं बोल रहा था कितना फास्ट टाइम फ्लाई करता है, कैसे टाइम जाता है, तो आपको अंदर का दिखाते हैं। देखिए कितना प्यारा मोनेस्ट्री है, कलाकारी देखिए। बस अभी एंटर कर रहे हैं अंदर को, परमिशन लूँगा, देखूँगा, अलाउ करेंगे अंदर तभी वीडियो शूट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी साल बाद यहाँ पर आया हूँ और भाई एक छोटा गुरुजी हैं नामा जी, तो उनसे बोला कि हम थोड़ा सा वीडियो लेना चाहते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं और भाई का भी धन्यवाद करते हैं, छोटे से हैं उन्होंने एक ही बार बोलने पर ये खोला, तो प्रभु उनको आशीष दे। और देखिए बहुत शांति है, इन्होंने बताया जैसे उनसे बात हुई अभी कि ये मॉर्निंग टाइम में आजकल प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, आप अपना वॉल्यूम अप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है ऐसी जगह में एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा। ये सब इनका रहता है, पूजा का एक पार्ट है। तो जैसे अलग अलग हम रिलीजन्स में अलग अलग ट्रेडिशंस या फिर जो फॉलो करते हैं सिस्टम, तो ये इनका है सिस्टम। और ये देखिए पीछे बुद्धा की मूर्ति है, ये करमापा इनका हम आपको दिखाएंगे, सिद्धवाड़ी साइड भी है, नॉबलिंग वगैरह वाली साइड में भी है, उधर भी गए हैं ये दलाई लामा जी। और देखिए कितना महीन कारीगरी, मुझे इनका कारीगरी एक्चुअल में बहुत पसंद है। ये है मोनेस्ट्री के अंदर का व्यू और जैसे मैंने आपको जिया मोनेस्ट्री में भी दिखाया था, ये इनका सिटिंग पोजीशंस रहता है, इसको बजाते हुए पूजा करते, तो ये इनके पूजा के लिए ये एक पोर्शन है, काफ़ी बड़ा पोर्शन है। अपना शांति के साथ प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जैसा भी इनका स्केड्यूल्स रहते हैं, जैसे इनका ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हुए। ये भैया हैं जो लामा जी हैं, तो इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, 3.5 साल हुए अभी यहाँ, तो थोड़ा बता रहे वो। और रेहान रो रहे, तो ये कुछ अंदर का रहता है ऐसा। ओके चलते हैं घर वापस, क्योंकि जैसे मैंने बताया था काम भी बहुत ज़्यादा है, डेकोरेशन वगैरह का काम है, शॉपिंग है, तो उसकी जाके तैयारी करते हैं। और मनीष्ठी का जो प्लान था वो अभी थोड़ा हबड़ा धपड़ी में घूमे हैं, कभी फिर आए तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से दिखाएंगे। और इनकी डॉर्मेट्रीज रहती हैं, तो ये पीछे देख सकते हैं, इधर ये लोग रहते हैं जो लामा वगैरह हैं, छोटे बच्चे हैं, ये भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये यहीं रह के स्टडी करते हैं। इस टाइम आई थिंक इनका प्ले टाइम चल रहा है, तो वो अपना आराम से पार्क में खेल रहे हैं, सो वी आर नॉट गोइंग दैट साइड, डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देम। चलते हैं जो आज के दूसरे प्लान्स है घर के, उसको देखते हैं, वो करते हैं। अभी यहाँ के एक सीनियर गुरुजी से बात हुआ, वो बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे, कहाँ से आए हैं वो सब पूछ रहे थे। और जब पालमपुर का बताया तो वो बहुत खुश हुए क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वो भी पालमपुर जाते रहे लगातार, तो उनको वहाँ का मौसम बहुत पसंद आया था। मैंने कहा मुझे भी बहुत पसंद है पालमपुर का मौसम, और जो छोटे छोटे गुरुजी थे वो सारे बाय बाय कर रहे थे प्यार से। तो यही होता है, आप कहीं पर भी जाएं रिस्पेक्ट शो करें तो आपको रिस्पेक्ट मिल सकता है। अगर हम लोग जाएं और कुछ ऐसी चीज़ें करें, ऐसी हरकतें करें जो किसी भी जगह के खिलाफ हों या कल्चर के खिलाफ हों, तब तो फिर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट दिखाएंगे तो आपको रिस्पेक्ट तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है चलते हैं। ओके अभी सीधा घर जा रहे हैं। 8 लेन हाईवे में बस आगे से कोई गाड़ी ना आए, क्योंकि टेंट वगैरह वाली गाड़ियाँ जा रही हैं, वो टेंट लग रहा है,
या फिर जो भी सामान आ रहा तो वो गाड़ियाँ की जा रही है, तो बस वो ना आगे मिले नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और देखिए वैसे रोड कंडीशन काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन फिर भी खराब तो है अभी भी। चलो चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब भी ऑफ रोड करने वाले हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। टेंशन नहीं लेते बेबी, अभी यहाँ देखिए कितना गंदा पैच है। ओ खरगोश देखो, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का रैबिट था आगे। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कल की कन्वेंशन के लिए सारा तैयारी लगभग हो चुका है, टेंट और जो स्टेज है वो सेटअप हो गया है। कुछ सामान है वो अभी शाम को और आ जाएगा, बाकी जो अगर इन केस रह गया तो वो हो सकता है अर्ली मॉर्निंग में आ जाए। तो ये यहाँ पे पूरा सेटअप है और वी आर एक्साइटेड एंड वी आर रेडी एंड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर द प्रेयर मीटिंग्स बिकॉज वी नो दैट गॉड इज गोइंग टू यूज अस एंड ब्लेस अस। माय ब्रदर ही इज डूइंग सम वर्क। सी शाम से काफ़ी बिजी रहा, तो शाम की कॉफ़ी है और मैं आपको सच में दिखाऊं, ठहरो एक मिनट। तो ये कॉफ़ी का कलर देख सकते हैं, मैं ये ही ज़्यादातर पी रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। और फनी बात बताऊँ तो ये सिर्फ इतनी कड़वी है कि इतनी ही कड़वी है कि अगर इसके साथ में पॉइजन रखा हो, जाए रखा हो, तो कोई भी बोलेगा वो खुशी के साथ पॉइजन पीना पसंद करेगा, बट ये नहीं। बट आई एम यूज टू इट, आई लाइक इट स्ट्रॉन्ग, और मुझे आदत भी हो गया क्योंकि जैसा मेरा लाइफ स्टाइल है, रात रात भर नहीं सोना या फिर कई बार बहुत लेट तक जागना, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। ओके पीते हैं कॉफ़ी, और मेरा भाई मुझे बार बार बुला रहा है क्योंकि काम बहुत है, तो चलो काम करते पहले।